बैक माई चैनल वन सेकेंड। और जो डी ए वी पी जी कॉलेज दे रहे थे उनके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो गाइज इन्होंने जो है डी ए वी ने अपनी जो है सेकेंड मेरिट यानी कि जो फर्स्ट वेटिंग है यहाँ पे वेबसाइट पे डाल दी है। तो देख लेते हैं कि करके जो कट ऑफ है वो कितनी रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे एक एक करके देख लेंगे। तो बात करें अगर बी एस सी सी बी जेट की, ठीक है, बी एस सी सी बी जेट की बात करें तो कट ऑफ गई है यहाँ पे देखिए एस टी की गई है 73, एस टी की कट ऑफ गई है 73। सी बी जेट की बात कर रहा हूँ डी ए वी पी जी कॉलेज देहरादून का। और एस सी की गई है 67.80 यानी 67.80 एस सी की गई है, और जनरल की गई है 78.60 अदर स्टेट कैंडिडेट है, ठीक है 78.60 यहाँ पे अदर स्टेट कैंडिडेट है, जनरल की कट ऑफ गई है। और बात करें अगर अपना जो ओबीसी कैंडिडेट है ओबीसी ओपन कैंडिडेट की जो गई है 76.20। और अगर बात करें ये तो हमने देख लिया ओबीसी का, और जनरल कैंडिडेट जो उत्तराखंड स्टेट से है उनकी गई है 77.80। तो 77 यहाँ पे जनरल की कट ऑफ गई है। तो गाइज बी एस सी सी बी जेड है 21 से 24 सितंबर के बीच में इनके एडमिशन्स होंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो ये हमने देखा सी बी जेड का। पी एम एस का भी देख लेते हैं, फिजिक्स मैथ स्टैटिक्स का, ठीक है। तो पी एम एस का भी हम यहाँ पे देख लेते हैं सेकेंड मेरिट में क्या कितना गया है। तो एस टी की गई है यहाँ पे, एस टी की गई है कितनी 63.40, एस टी की कट ऑफ गई कितनी 63.40, ठीक है। जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई है 79.40, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ गई है, ओबीसी की कट ऑफ गई है 64.40, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ 64.40 और जनरल की कट ऑफ गई है 76.40 जनरल की कट ऑफ गई है। तो 21 से 24 सितंबर के बीच में ऑनलाइन एडमिशन्स होने हैं, ठीक है। पीसीएम ग्रुप का भी देख लेते हैं। तो पीसीएम की बात करूं मैं एसटी में तो 74.80 अभी भी गई है, ठीक है। एसटी वुमन की बात करें 74.80 लास्ट कट ऑफ पीसीएम ग्रुप में, ठीक है। एसटी वुमन की बात करें एसटी ओपन कैंडिडेट की गई है 77.80, ठीक है। और बात करें एससी की तो एससी की गई है 55, काफ़ी नीचे गिरी हुई है, 55 जो है एससी की गई है, ठीक है। और बात करें अगर यहाँ पे जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट तो यहाँ पे गई है 83.20, ठीक है। और अब बात करें ओबीसी कैंडिडेट्स की तो 79 यहाँ पे ओबीसी की गई है। और अपने जो है यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी बात करें उत्तराखंड स्टेट की तो 83 यहाँ पे जनरल की भी 83 गई है। तो ये सेकेंड मेरिट है, अभी तो थर्ड मेरिट आनी है। तो ये इसके भी एडमिशन्स होने हैं 21 से 24 सितंबर के बीच में, ठीक है। और बीकॉम का भी देख लेते हैं गाइज, बीकॉम की कितनी गई है कट ऑफ। तो बीकॉम का भी देख लेते हैं तो एसटी की गई है बीकॉम में 61.60 एसटी की गई है, एससी की गई है 50.80, ठीक है 50 तक आ चुकी है एससी की। और यहाँ पे अगर बात करें जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट की जो गई है वो गई है 75.80, ठीक है 75.80। ओबीसी की कट ऑफ गई है 64.20, ओबीसी की कट ऑफ 64.20। और जनरल कैटेगरी जो है बात करें नॉर्मल जनरल कैटेगरी ओपन कैंडिडेट की तो 75 यहाँ पे, ठीक है, बीकॉम में गई है। तो ये इसके भी एडिशन्स होने हैं 21 से 24 सितंबर के बीच में। और सेकंड मेरिट बीए का भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो बीए में कट ऑफ अभी भी हाई देखने को मिल गया 72.20 यहाँ पे एसटी की गई है, ठीक है 72.20 एसटी की गई है गाइज यहाँ पे। और एससी की गई है 64.60 जो है एससी की गई है। और बात करें अपना जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट 73.80 जनरल कैटेगरी अदर स्टेट, ओबीसी की कट ऑफ गई है 69.20। और बात कर लेते हैं अपने उत्तराखंड जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पे देख लेते हैं उत्तराखंड जनरल कैटेगरी की, तो देख लेते हैं कितनी यहाँ पे कट ऑफ गई है
ये हमने देख लिया, जनरल ओपन कैंडिडेट की जो है वो यहाँ पे गई है 73.80। तो BA में भी अभी मेरिट अभी हाई देखने को मिल रही है, तो कोई नहीं, थर्ड मेरिट आनी अभी और है। तो गाइज क्या करना है, एडमिशन्स का मैंने बता रखा है कैसे करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिनको पता नहीं एक बार बता देता हूँ मैं, ठीक है, खुलेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे जो है ये, क्योंकि ये भाई का जो है इन्होंने एडमिशन्स लिया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पे एडमिशन रिक्वेस्ट दिखेगा, ठीक है, मेरिट में नाम आ गया तो यहाँ पे एडमिशन रिक्वेस्ट दिखेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट सेक्शंस में जाना है, यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट्स में जाना है। आप यहाँ से क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा वीडियोज़ में किस तरह से करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अपलोड करने हैं, जिनके पास ओरिजिनल नहीं है मैंने वो भी बता रखा है। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करके अपलोड कर देना है। उसके बाद व्यू एप्लीकेशंस में जाना है, ठीक है, व्यू एप्लीकेशंस में जाके यहाँ से आपको एडमिशन रिक्वेस्ट भेज देनी है, ठीक है। तो जैसे ही एडमिशन रिक्वेस्ट भेजेंगे वाई लिखा आएगा, जैसे ही अप्रूव होगा एडमिटेड लिखा आएगा, उसके बाद आपको फीस पे करनी है। तो कोई दिक्कत होगी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, बाकी जो है वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने इस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है पहले, आप वहाँ से देख सकते हैं पूरी प्रोसेस का, मैंने फर्स्ट मेरिट का यहाँ पे बता रखा है, आप वहाँ से देख